अनेक संस्थाओं के, धार्मिक संस्थाओं के आदरणीय सभी महानुभाव और मंच पर अभी कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे हमारे हरियाणा के सभी कलाकार भाई बहन और विभिन्न स्कूलों से आए हुए प्यारे बच्चों, सभी को मेरा हरिओम। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि प्रतिवर्ष की तरह हम इस वर्ष भी, ये छठा वर्ष है, हम पूरे हरियाणा में एक गीता महोत्सव कार्यक्रम मनाते हैं जो कि बहुत जरूरी है। आज पाश्चात्य कल्चर के अंधानुकरण में और विशेषकर जो बच्चे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हम पाश्चात्य कल्चर के अंधानुकरण में इतने भी मगन ना हो जाए कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को भूल जाए। हमारी भारत की संस्कृति में वो सब कुछ है, सुबह उठने से लेकर के सोने तक, खाने से लेकर प्रणाम करने तक और जन्म से लेकर के मृत्यु तक, और अपने जीवन को हम उत्सव कैसे मनाएं, जीवन हमारा उत्सव हो जाए, मृत्यु भी हमारा उत्सव हो जाए, ये अगर कोई ज्ञान देता है तो वो श्रीमद् भगवद गीता में इसका ज्ञान है। इसलिए सभी जो आज बच्चे आए हैं मेरे साथ, एक श्लोक सभी उच्चारण करेंगे। भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी बोलना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सद्धामयम्। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, शास्त्रों श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता में, आप शास्त्र श्लोक भी अगर नहीं पढ़ सकते, भगवद गीता के पहले भगवद गीता का महात्म्य आता है और उस महात्म्य में प्रत्येक अध्याय के महात्म्य में आता है कि इस अध्याय का पठन पाठन करने से किसको क्या लाभ हुआ, क्या फल की प्राप्ति हुई, प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में महात्म्य आता है। तो उस महात्म्य में ये भी लिखा है कि अगर पूरे 700 श्लोक ना भी पढ़ सको तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ तक कहते हैं, सभी बोलना, गीता श्लोक पाठे न, आवाज नहीं आ रही, आप खाके नहीं आए हो, बुलंद आवाज में गीता श्लोक पाठे न गोविंद स्मृति कीर्तना साधु दर्शन मात्रे न तीर्थकोटि फलम लभे। मतलब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 700 श्लोक ना भी पढ़ो तो श्रीमद् भगवद गीता का अगर एक श्लोक भी पढ़ लिया, गीता के एकाध श्लोक के पठन पाठन से और साधु संत के दर्शन मात्र से आपको करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और संतों ने क्या कहा, संतों ने ये कहा, सभी ये मेरे साथ बोलिए, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, बोलिए सभी, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, आवाज नहीं आ रही, जरा जोर से बोलिए, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ सदगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ, माने गीता जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। हमारे सनातन वैदिक संस्कृति में 18 पुराण है, 4 वेद है, गीता की जयंती हम मना रहे हैं, लेकिन हम अगर किसी की जयंती मनाते हैं तो वो श्रीमद् भगवद गीता की हम जयंती मनाते हैं। आपको सुनकर के जानकर के गर्व होगा हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में। स्वामी विवेकानंद ने विदेश में जाके क्या कहा था, स्वामी विवेकानंद अपने भाषण के बाद जब लाइब्रेरी में घूम रहे थे तो लाइब्रेरी के एक कोने में उन्होंने देखा कि सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ की पूरी एक के ऊपर एक सब रखे हुए हैं, तो और सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ सबसे ऊपर ऊपर रखे थे और गीता सबसे नीचे थी। पत्रकारों ने स्वामी विवेकानंद को नीचा दिखाने के लिए कटाक्ष किया कि आप अपनी भारतीय संस्कृति की इतनी महिमा गाते हैं, भारतीय संस्कृति के बारे में इतना व्याख्यान देते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर तो और सभी धर्म के धर्म ग्रंथ ऊपर हैं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता तो सबसे नीचे है। सभी बच्चे
कभी भी आप कहीं भी किसी से मिला तो ये आप जरूर स्वामी विवेकानंद के उपदेश को सुनाना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सभी धर्म के ग्रंथों को नमस्कार है और सभी धर्म ग्रंथ ऊपर भले ही रखे हैं, गीता भले ही नीचे रखी है, और गीता इसलिए नीचे रखी है कि अगर भवन की नींव ना हो तो भवन गिर जाता है, वृक्ष की जड़ें ना हो तो वृक्ष गिर जाता है। ऐसे ही गीता है तो सभी धर्म ग्रंथ है उसमें है, गीता नहीं तो कुछ भी नहीं है। अर्थात सभी धर्मों का उद्गम स्थान श्रीमद् भगवद गीता है और भगवद गीता से ही सभी धर्मों ने कुछ लेकर के अपने ग्रंथों की रचना की है, इसलिए गीता जैसा ग्रंथ नहीं। कहा ना मैंने कि हरि सब जग कछु वस्तु नहीं, भगवान से बड़ा कोई नहीं, भगवान सर्वोपरि है, हरि सब जग कछु वस्तु नहीं। और भगवान का जो सचमुच में प्रेम है, आजकल का ये जो वासना को लोग प्रेम कहने लगे ना, इस वासना वाले प्रेम का परिणाम क्या होता है आज सारी दुनिया जान रही है, और भारत तो अभी थोड़े दिन पहले ही आपने एक घटना घटी उसको समझना। तो ये प्रेम नहीं, प्रेम परमात्मा से हो, देह से जो प्रेम होता है वो वासना कहलाती है, लेकिन परमात्मा से प्रेम हो जाए जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण से हुआ था प्रेम। तो प्रेम जो निर्वासनिक परमात्मा है उससे जो प्रेम होता है वही सच्चा प्रेम है। और हरि सब जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। और परमात्मा को कैसे पाए कि परमात्मा को प्रेम करके ही पाए, प्रेम के द्वारा, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के होई प्रकट में जाना। जिन्होंने भी पाया उस भगवान को प्रेम करके ही पाया, मीरा ने पाया, सबरी ने पाया, गुरु ने पाया, प्रहलाद ने पाया, अर्जुन ने पाया, तो हम सब भी पा सकते हैं और यही मानव मात्र का उद्देश्य है। तो हरि सब जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ है, सदगुरु सब सज्जन नहीं, गीता सब नहीं ग्रंथ। और सदगुरु जीवन में बहुत जरूरी है क्योंकि पानी के बिना नदी बेकार है, प्रेम और प्यार ना हो तो सगे संबंधी बेकार है। आपके जेब में पर्स चाहे कितना कीमती क्यों ना हो, उस पर्स में अगर पैसे नहीं है तो बिना पैसे के पर्स भी बेकार है। उसी प्रकार आपका मनुष्य जीवन है और मनुष्य जीवन में और सब कुछ प्राप्त है, लेकिन मनुष्य जीवन में अगर सदगुरु नहीं है और गीता का ज्ञान नहीं है तो मनुष्य जीवन भी बेकार है, बेकार है, बेकार है। और जीवन में अगर सदगुरु है और भगवान श्री कृष्ण जो गीता के गायक है, गीता के ज्ञान देने वाले ब्रह्म ज्ञान है, और ये ब्रह्म विद्या है, इसको ब्रह्म विद्या कहा गया। और ये ब्रह्म विद्या ऐसी विद्या है जिस विद्या से बड़ी कोई विद्या नहीं। आप स्कूल और कॉलेजों में जो विद्या अध्ययन कर रहे हो इसको लौकिक विद्या बोलते हैं, और इससे ऊंची विद्या होती है योग विद्या जो हनुमान जी के पास है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर वीर जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति की दासा। लेकिन ऐसे हनुमान जी योग विद्या को प्राप्त करके भी वो किनके चरणों में झुकते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में झुकते हैं, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में इसलिए झुकते हैं क्योंकि उनके पास ब्रह्म विद्या है और वो ब्रह्म विद्या उन्होंने सदगुरु से प्राप्त की है। तो ये गुरु शिष्य की परंपरा से ही ये ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है। अर्जुन ने कितने सारे प्रश्न किए, जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरणागति कर स्वीकार कर लिए और भगवान श्री कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया, तभी अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई और कहा नष्ट मोह स्मृति लब्ध, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आप समझना, आप रास्ता भटक गए हो, कहीं ना कहीं आपको रास्ता नहीं मिल रहा है और अचानक आपको कोई ऐसी लोकेशन मिल जाती है, उसको देखते ही आपको याद आ जाता है अच्छा दाएं क्या है, बाएं क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है, सारा रास्ता क्लियर हो जाता है। ये तो अनुभव है ना, ऐसे ही हमको अपने वास्तविक स्वरूप की याद आ जाती है। वो कब आती है कि नष्ट मोह स्मृति लब्धवा। तो गीता का ज्ञान हमको उस परमात्मा की याद दिलाता है। तो हम सब पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, मैं अपने आप को भी भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने जो कुछ भी सीखा अपने गुरु के चरणों में रहकर के सीखा। आप भी जाइए ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु की शरण में और गीता की शरण में, और इसी जन्म में हम मुक्ति को प्राप्त करें, यही गीता का उपदेश है। सब कभी बहुत बहुत आभार श्री रामा भाई, बहुत अच्छी बात आपने कही अनुभव से, और डंके की चोट में ही आपका आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि लाइफ की कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं जिसमें आपको गीता जी सॉल्यूशन ना दे। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसे अगर आप गीता जी पढ़ें और आपको उसका सॉल्यूशन ना मिले।
फिर मैंने यहाँ पे बच्चों से बात की और मैंने जाना कि मुख्य तीन कारण है जो यहाँ पे लोग गीता जी नहीं पढ़ रहे हैं। पहला कि एग्जाम है, जॉब है, समय नहीं मिल रहा। तो समय तो निकालना पड़ता है, अपने दोस्तों के पास जाने का समय मिलता है, फोन पे घंटे बात करने का समय मिलता है, व्हाट्सएप का समय मिलता है, फेसबुक का समय मिलता है, तो समय तो निकालना पड़ता है। तो इसका सोल्यूशन मैंने इनको दिया कि आप सोने से पहले, जब भी आप जाएं सोने से पहले, एक साफ सुथरे कपड़े में गीता जी को ऑब्जर्वेट कर अपने पास रखें और एक श्लोक, हम एक श्लोक से शुरू करते हैं और संकल्प लेते हैं कि आज मैं घर जाऊंगा तो आज से ही रात को सोने से पहले एक श्लोक में गीता जी का पढ़ के सोऊंगा। इससे हमारी गीता जी पढ़ने की आदत बन जाएगी और धीरे धीरे, जैसे होता था ना पहले बचपन में कि एक पहले लिखना मुश्किल होता था, एक और एप्पल लिखना मुश्किल होता था, पर अब हम कैसे पूरे पूरे सेंटेंस लिख लेते हैं। तो ऐसे ही जब आप एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आपका इंटरेस्ट आने लगेगा। दूसरा जो मैंने समझ में आया मुझे यहाँ पे, जो लोगों ने मुझे बताया कि हम गीता इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि मॉडर्न जमाना है ये, तो अगर मैं गीता पढ़ूंगा तो मैं तो आउटडेटेड लगूंगा, मैं कूल कैसे लगूंगा। ये मेरा भी अनुभव है, शायद आप लोगों का भी अनुभव होगा। हम बस में या मेट्रो में सफर करते हैं, सभी करते हैं, कौन कौन करता है बस में मेट्रो में सफर, सभी सफर करते हैं। कभी मेरा तो अनुभव है, शायद आपका भी होगा, हमने लोगों को नॉवल पढ़ते हुए देखा है, हमने लोगों को फोन चलाते हुए देखा है, हमने बुक पढ़ते हुए देखा है, या कभी किसी ने मेट्रो में या बस में भगवद गीता पढ़ते हुए देखा है? नहीं देखा ना। क्यों? क्योंकि हमें लगता है अरे हम तो पढ़ रहे हैं, वो क्या बोलेगा या वो क्या बोलेगा। तो हमें ऐसा लगता है कि यार अपनी संस्कृति से अगर जुड़े हैं तो हम अनुकूल लगेंगे, अपने दोस्तों को क्या बोलेंगे कि मैं भगवत गीता पढ़ के आया हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि संस्कृति से जुड़ के जितने आप कूल लग सकते हैं ना, आप नॉवल पढ़ के उतने कूल नहीं लग सकते। और साथ ही में आप मॉडर्न बनके भी संस्कृति से जुड़े रह सकते हैं। हमारी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि या तो मैं एक समय पर कूल लग सकता हूँ या मैं एक समय पर सर पे तिलक, माथे में तिलक लगा सकता हूँ। हम तिलक लगा के भी कूल बन सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। जीवन में हर क्षेत्र में उन्नति तभी होगी जब आप अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे, अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे। जाइए स्कूल में तिलक लगा के जाइए, ऑफिस में तिलक लगा के जाइए, हाथ में भगवत गीता पकड़िए, जॉब पे जाइए, बोलिए हाँ मैं माला जपता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ गलत नहीं है, हम भगवान को ही तो याद कर रहे हैं। मैं माला जपता हूँ, मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ, मैं सूर्य को जल देता हूँ, मेरी संस्कृति है, मुझे गर्व है मेरी संस्कृति पर, हम क्यों डरें? तो हमें अपनी संस्कृति को साथ में रखते हुए ही जीवन के पथ पर चलना है, क्योंकि जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, जो सत्य से ईमानदारी से चलता है अपने जीवन में, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान को ईमानदार लोग बहुत पसंद आते हैं। तो हम ईमानदारी से अगर चलेंगे, छल कपट ना करते हुए सारे कर्म ईमानदारी से करेंगे और कर्म के फल को भगवान को अर्पण कर देंगे, तो हमारी उन्नति निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। और एक रीजन जो आखिर में मैं थोड़ा समय के बाद में बताना चाहूंगी, एक रीजन जो एक मुझे बताया यहाँ पे किसी ने कि एक रीजन जो है मैं गीता नहीं पढ़ती क्योंकि मुझे समझ में नहीं आती। अब इसका सॉल्यूशन भी भगवान ने भगवत गीता में दिया है। भगवान ने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बोला है कि मेरे को समझना है, मेरी प्रकृति को अगर समझना है, मेरे ज्ञान को अगर समझना है, तो तू ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरुषों का संघ कर, उनको उनको जाके प्रणाम कर, उनकी सेवा कर, उनसे प्रश्न कर, छल कपट छोड़ के मन से उनसे प्रश्न कर, तो वे तुझे मेरे इस ज्ञान का उपदेश करेंगे। मतलब जो मैंने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया है, अगर मुझे नहीं समझ में आता तो मैं ऐसे संतों का, ऐसे संतों का, महापुरुषों का संग करूं जो भगवान के गीता के ज्ञान के अनुभवी हैं, जो ब्रह्मज्ञानी हैं, जो तत्वदर्शी हैं। आज के समय में तत्वदर्शी परम पूज्य संत श्री आचार्य जी बापू, जो लगभग 50 वर्षों से ज्यादा से गीता का ज्ञान लोगों में पहुंचा रहे हैं। मैं अपने
की मैं बात करूं तो मैं अपने छोटे मुंह से आज थोड़ा बहुत भी जो गीता के बारे में बोल पा रही हूं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरे गुरु परम पूज्य संत श्री आश्रम की बापू ने मेरे जैसे अनेक युवक युवतियों तक गीता का ज्ञान पहुंचाया है। अगर मैंने उनका सत्संग ना सुना होता, उनके सत्संग के माध्यम से अगर मुझे गीता नहीं समझ में आई होती तो मेरा जीवन भी नाव की तरह होता जिसका कोई नाविक नहीं होता, बस वो समुद्र में गोते खाती रहती। तो अंत में मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगी कि संकल्प लें कि एक रोज एक गीता का श्लोक हम रात को सोने से पहले पढ़ेंगे और अपने जीवन को ओजस्वी तेजस्वी बनाएंगे। हरिओम। आधुनिकता की अंधी दौड़ में जो हम भागे जा रहे हैं और अपने संस्कार